तो उत्तराखंड एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज से 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में यह बारिश का अलर्ट है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश होगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और कर्मचारी अधिकारियों को भी चौकन्ना रहने को कहा गया है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, लेकिन वो एक दो दिन के लिए बल्कि 14 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में ये बारिश का अलर्ट है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश होगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है और प्रशासन इसे लेकर किस तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है? जी, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने लगभग पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक ये अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें कुछ पहाड़ी जिलों में जैसे चमोली है, रुद्रप्रयाग है या बागेश्वर है या पिथौरागढ़ और अन्य जो पहाड़ी जनपद है, वहाँ पे भारी से भारी बारिश हो सकती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों में बारिश का जो दौर है वो जारी है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में लोगों की चिंता जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। तो ऐसे में जो अब अलर्ट जारी किया हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रशासन का भी कहना है कि तैयारियां पहले से ही पूरी कर दी गई हैं, मौसम विभाग का जो अलर्ट कभी भी जारी हो रहा है तो उसमें अतिरिक्त जो मशीनें हैं उनको मौके पर तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा तहसील प्रशासन में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, SDRF हो या NDRF या अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनको भी अलर्ट बोर्ड पर रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो बारिश का अलर्ट है वो चिंता जरूर बढ़ाएगा उत्तराखंड में, लेकिन फिलहाल अगर प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। हमने पहले भी देखा था कि जहां पे बड़ा लैंडस्लाइड हो रहा है, चाहे रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में हम देख रहे हैं, वहां पे लैंडस्लाइड की वजह से जो नुकसान है वो भी सामने आ रहा था। तो ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी स्वयं इस पर नज़र बनाते हैं, कंट्रोल रूम में वो पहुंचते हैं। तो जिस तरीके से जो धरातल पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अब प्रशासन करेगा, क्योंकि अलर्ट जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात इसलिए भी हो रही है। अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के लोग यही इस वक्त करीब सितंबर में मानसून जाने का वक्त होता है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। भीमबली में पहाड़ी से एक बार फिर से बोल्डर गिरा और पैदल मार्ग रास्ते पर आ गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त बोल्डर पैदल रास्ते पर गिरा उस समय वहां पर कोई पैदल यात्री मौजूद नहीं था। जहां बोल्डर गिरा वहां दोनों तरफ दुकानें हैं और दुकानदार अंदर सोए हुए थे, वहीं बोल्डर गिरने से पैदल रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को ही जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं कल सीएम धामी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। आज पहले दिल्ली पहुंचेंगे और फिर यहां से जम्मू कश्मीर जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्हें चुनाव प्रचार करना है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर आज से कांग्रेस की केदार बचाव यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस नेता गुरुवार शाम को कांग्रेस नेता केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद 13 सितंबर की सुबह केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद भैरव मंदिर में पूजा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ में कथित सोना चोरी और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज कांग्रेस की जो यात्रा चल रही थी उसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है, कहां से दूसरा चरण शुरू होगा, कब तक केदारनाथ पहुंचेंगे और एक तरह से बहुत सारी बातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, वो क्या बातें होंगी जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की तरफ से?
ये यात्रा स्थगित की गई थी कांग्रेस की तरफ से। अब लगभग 42-43 दिन के बाद कांग्रेस का ये सेकंड फेज है। आज शाम सभी नेता सोनप्रयाग पहुंचेंगे और कल सोनप्रयाग से पैदल चलकर जो 20-22 किलोमीटर का रास्ता कवर करके कल शाम केदारनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। परसों सुबह जलाभिषेक, फिर भैरव मंदिर में दर्शन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दों की बात है तो केदारनाथ में जो सोना गायब हुआ है, जिसे चोरी कहा जा रहा है, उस सोने को लेकर वो बात रखेंगे कि आखिर वो सोना कहाँ गया, 23 किलो सोना था या 223 किलो सोना था, ये बात वो सामने पर रखेंगे। दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो मंदिर बन रहा था, हालांकि वो मंदिर बनना बंद हो चुका है, लेकिन उस मुद्दे को भी कांग्रेस वहां पर उठाएगी। इसके अलावा और जो दूसरे मुद्दे केदारनाथ से जुड़े उनको भी कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेगी। खास बात यह है कि केदारनाथ में उपचुनाव भी होना है बहुत जल्द, और वहीं पर ये पूरी सियासत चल रही है। तो कांग्रेस की यात्रा का ये सेकंड फेज है जो आज शाम मतलब पहुंचने से शुरू होगा और 13 तारीख की सुबह जलाभिषेक के साथ समाप्त होगा। और कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि केदारनाथ जो 11वां ज्योतिर्लिंग है उसको लेकर किस तरीके से वहां पर स्थितियां खराब हुई हैं और क्या क्या मुद्दे उससे जुड़े हैं, ताकि केदार घाटी की जनता को समझाया जा सके कि क्या यहाँ पर स्थितियां हैं और उन स्थिति को उन्हें समझना चाहिए। नीलू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। और केदार घाटी के गांवों में गैर हिंदुओं के एंट्री के खिलाफ पोस्टर लगे हैं, पर सवाल है कि अचानक ये पोस्टर लगे क्यों और लगे तो फिर हटे क्यों? इसी पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि इसी केदार घाटी में जल्द उपचुनाव होना है। जरा देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, इसी केदार घाटी के गांव में लगे पोस्टरों पर सियासी रंग चढ़ चुका है। यहां गांव में पोस्टर लगे कि कोई भी गैर हिंदू और रोहिंग्या फेरी वाला गांव में दाखिल नहीं हो पाएगा, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने DGP से एक्शन की मांग की। मामला धार्मिक ना हो जाए तो पुलिस ने बिना देरी किए पोस्टर हटा दिए, लेकिन केदार घाटी में लगे इन पोस्टरों पर चुनाव के साथ सांप्रदायिक रंग चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गांव के लोगों के कदम का समर्थन किया। महेंद्र भट्ट के मुताबिक BJP सुरक्षा की बात पर गांव वालों के साथ है। कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे, और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है, भाजपा हर गांव की सुरक्षा की क्या समर्थक है। बाहरी तत्व गांव में जाकर चोरी करते हैं, बाहरी तत्व गांव में जाकर अगर अपराध करते हैं तो उस पर अंकुश लगाने का काम जहां सरकार का रहता है, वहीं गांव की भी निर्वाचित पंचायतें होती हैं, उनकी भी नीतियां होती हैं, उस नीति का विरोध करने की मुझे लगता है आज की तारीख में किसी आवश्यकता नहीं है। केदार घाटी के गांव के लोगों के समर्थन में BJP खुलकर उतरी तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने सीधे इसे केदारनाथ उपचुनाव से जोड़ दिया। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा, पोस्टर BJP ने लगाए, अगर गलत नहीं था तो पोस्टर हटाए क्यों? हरीश रावत के मुताबिक मुसलमान, मजार, लव जिहाद की याद BJP को सिर्फ चुनाव में आती है, यही केदार घाटी में हो रहा है। फिर भाजपा को अनंतोगत्वा हटाने क्यों पड़े? ये तो सब जानते हैं भाजपा ने लगवाए थे, लेकिन फिर हटाने क्यों पड़े? महेंद्र भट्ट जी को ये भी बताना चाहिए ना, ये भी बताना चाहिए। आप सौहार्द बिगाड़ करके क्या चाहते हैं? समाज और देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? और भाजपा हम जानते हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल मुसलमान, मजार, लव जिहाद आदि, यही तो भाजपा के वो बताने के लिए है। इसी के नाम पर तो वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। केदार घाटी के गांवों में गैर हिंदू विरोधी पोस्टर लगे या फिर लगवाए गए, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन पोस्टर हटाने के बाद BJP खुलकर गांव वालों के साथ आ चुकी है, तो कांग्रेस इसे BJP की चुनावी चाल बता रही है, ताकि उपचुनाव से पहले केदार घाटी का माहौल बदला जा सके। दीपांकर भट्ट, News 18, देहरादून।
और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर अफसर शाही क्या मंत्रियों को नहीं सुनती या फिर उनकी बात को अनदेखा कर देती है, ये सवाल अक्सर चर्चा में रहा है। और एक बार फिर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के मामले में ऐसी ही बात उठी। दरअसल मंत्री की तरफ से ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट विभाग के डायरेक्टर को लेकर कड़ी चिट्ठी लिखी गई, जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और अटैचमेंट को लेकर मंत्री से पूछना तक जरूरी नहीं समझा जा रहा। साथ ही हिदायत दी गई कि अगर आगे से इसी तरीके से काम चलता रहा तो जो भी ट्रांसफर या पोस्टिंग होगी वो खुद ही निरस्त मानी जाएगी। ज्ञान में ये बात आई थी कि सेवायोजन और हमारे आईटीआई के डायरेक्टरेट के लेवल से कुछ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस किए गए हैं, जो हमारे संज्ञान में बिना हमारी अनुमति के हुए थे। तो मैंने कल एक अपने जो निजी सचिव हैं गुणवंत जी, उनके माध्यम से एक लेटर शूट करवाया है डायरेक्टरेट को कि अगर कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या किसी का प्रमोशन बिना हमारे ऑफिस के संज्ञान के किया जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली रद्द माना जाएगा और ये प्रक्रिया आगे नहीं होनी चाहिए। रुद्रप्रयाग के उखी मठ में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जनसंवाद और तहसील दिवस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केदार घाटी सहित क्षेत्र के लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी, जिसमें कुल 96 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 34 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य को संबंधित विभाग में भेज दिया गया और तय समय के अंदर सभी समस्याओं को निपटाने के निर्देश भी दे दिए गए। विकासनगर से खबर लेते हैं, जहां पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। बिजली विभाग के जेई परवेज आलम को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परवेज आलम को 15,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बिजली कनेक्शन कराने के एवज में हर्बर्टपुर सब स्टेशन का जेई घूस ले रहा था। इस मामले में एक दलाल आदित्य नौटियाल को भी गिरफ्तार किया गया है। रुड़की के पीरान कलियर में चल रहे 756वें सालाना उर्स को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटी है। इस बार 15 सितंबर को बड़ी रोशनी और 16 सितंबर को छोटी रोशनी बनाई जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र में 4 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेले में ड्यूटी दे रहे हैं। एसपी देहात इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जल पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात कर दी गई है। वहीं मेले में देश विदेश से भी जायरीन आते हैं, जिसमें पाकिस्तानी जायरीनों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जो टोटल पुलिस बल है उसमें 4 जोन और करीब 15 सेक्टरों में हम लोगों ने इसको विभाजित किया है और जो हमारा टोटल फोर्स है करीब 400 से ऊपर पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जिसमें इस जनपद के, जनपद के बाहर के भी लोग यहाँ पर आए हैं। इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरीके से सुसज्जित भी हैं और पूरी तरीके से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और रुड़की में किस तरह से तैयारी चल रही है, बातचीत करने के लिए मनोज जुआल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है, कब से कब तक ये मेला लगेगा और अब प्रशासन जो कह रहा है क्या वो जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है, तैयारी पूरी हो गई है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि पीरान कलर का जो सालाना उर्स है 756 सालाना उर्स शुरू हो गया है, जो कि मेहंदी डोरी रस्म के साथ शुरू हो गया था। अब 15 और 16 सितंबर को बड़ी रोशनी और छोटी रोशनी के साथ मेले का बड़ा आगाज हो जाएगा, उसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार तैयारी में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, उस वहां सबसे बड़ा ज्यादा अतिक्रमण है। अतिक्रमण को लेकर जो व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ मेले के टाइम पर ही उस अतिक्रमण को हटाता है, इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। और जो माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जायरीन भी यहां पे आएंगे और उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। लेकिन जिस
तरीके से पुलिस इस मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी है। इसको जितने भी जायरीन यहाँ पे आएंगे, सबसे बड़ी बात इस मेले में ये होती है कि सत्यापन की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। जिस तरीके से बाहरी जायरीन यहाँ पे आते हैं, विदेशों से जायरीन आते हैं और अन्य जो यहाँ पे जो संदिग्ध लोग होते हैं उस पर भी पुलिस की नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कई घटनाएं होती हैं उसके बावजूद भी पुलिस इस ओर ध्यान देना चाहिए। और पुलिस लगातार मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी है। मैं आपको बता दूं कि इस मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में 400 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। डॉग स्क्वाड यहाँ पे तैनात किया गया है और जल पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो घटनाएं होती हैं, बावन दरा एक स्थान है जहाँ पे जो जायरीन जाते हैं और नहाने के लिए डूब जाते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे जो जल पुलिस है उसको तैनात किया गया है ताकि यहाँ पे कोई घटना ना हो। इसको लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कांवड़ पटरी पे लाइट की व्यवस्था है वो अभी कहीं कहीं पे पूरी नहीं दिखाई दे रही है, और जो साफ सफाई से लेकर कई व्यवस्थाएं यहाँ पे होती है। और 19 सितंबर तक मेला चलेगा करने के लिए, अभी भी कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अल्मोड़ा में नंदाष्टमी का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नंदा देवी मंदिर में नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु माँ के मंदिर में पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई सालों से पहाड़ में नंदाष्टमी मनाई जाती है पूरे धूमधाम के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए नंदा सुनंदा की। नंदा सुनंदा की श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। आज सुबह तड़के नंदाष्टमी के मौके पर श्रद्धालु मंदिर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि मान जो पुरानी मेला और माता की पूजा अर्चना होती है, कम से कम 350 साल पुरानी है प्रथा। तो आज माता रानी का अष्टमी रूप से आज बहुत भक्तों की यहाँ पर आवाजाही हो रही है, और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अल्मोड़ावासियों की, हमारे भारतवासियों की सारी मनोकामना पूर्ण करें। और इस वक्त अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, नंदा सुनंदा यानी नंदा अष्टमी मनाई जा रही है और हमने देखा है सालों से इसे मनाया जाता है, पूरे अल्मोड़ा में इस वक्त रौनक दिखाई दे रही है। किस तरह से वहां पर श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं मंदिरों में? और माँ को जो है विदा करने के बाद ही वापस लौटते हैं। यहाँ 208 सालों से परिसर में नंदा देवी का मेला हो रहा है। इस मेले में शिरकत करने के लिए आज दूर दूर से श्रद्धालु आगे नंदा सुनंदा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और किशन एक बार पीछे की जरा तस्वीर दिखा सके तो जरा पीछे की तस्वीर भी दिखा दीजिए। आप बोलते रहिए लेकिन पीछे की तस्वीर भी दिखाइए। मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो है माँ के इंतजार करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और अंदर भी इससे ज्यादा भीड़ लगी है। चारों तरफ से लंबी लंबी भीड़ है लोग माँ के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे दिन भर जो है माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। लोग दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँचेंगे जी। बिल्कुल, तो सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, परंपरागत नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। मौसम बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत प्राचीन मेला है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ किशन जुड़ने के लिए। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर डांग गांव में राजराजेश्वरी माता और नागराज देवता का मेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण माता की डोली के साथ जमकर झूमते नजर आए। ग्रामीण सदियों से इस मेले को मनाते आ रहे हैं लेकिन कोविड के बाद ये मेला बंद हो गया था, जिसे गांव के युवाओं ने इस बार फिर शुरू कर अपनी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया। मेले की शुरुआत में बड़ी संख्या में गाँव की बेटियां भी पहुंची। और बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जो मंदिर परिसर 2 महीने पहले तक खाली दिखाई दे रहा था, वहां इन दिनों यात्रियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ धाम में रोजाना अब 3,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 9,49,711 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं यात्रा बढ़ने के साथ स्थानीय कारोबारी की एक बार फिर से उनमें खुशी दिखाई दे रही है। यात्रा अब 3 महीने ही बचे हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले साल के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और इसे लेकर जो स्थानीय कारोबारी हैं वो बेहद खुश है। मौसम अब थोड़ी थोड़ी सी ठीक होने लगी है इसलिए यात्रियों का अब फिर से यहां पहुंचना शुरू हो गया है।
हरिद्वार में उदासीन आचार्य श्रीचंद्र की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। चंद्राचार्य चौक से शुरू हुई शोभा यात्रा शिवमूर्ति चौक से होती हुई बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचे। इस दौरान बड़ा उदासीन अखाड़े समेत तमाम अखाड़ियों के साधु संत मौजूद रहे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोभा यात्रा में पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। बड़ा उदासीन अखाड़े के इष्ट देव श्रीचंद भगवान की जयंती हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाई गई। बढ़ते महिला अपराध सरकार से लेकर पुलिस तक के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में सरकार अब सीधे बेटियों से बात कर रही है। हल्द्वानी में बेटियों के सुझावों पर स्ट्रीट लाइट तक बदली जा रही है। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में इन दिनों शाम होते ही पुलिस का पहरा कुछ ज्यादा ही कड़ा हो गया है, लेकिन इसकी वजह कोई राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि बेटियों का सुझाव है जो उन्होंने सीधे पुलिस को दिए हैं। विशेषकर ऐसी जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है जहां अपराधियों की धमक के कारण बेटियों को आने जाने में डर लगता है। जिला प्रशासन के लेवल पुलिस के लेवल पे महिलाओं से हम ये पूछना चाह रहे थे कि शहर में ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं जहां पर वो अनसेफ फील करते हैं और ऐसी कौन सी जगह जहां उनको खासतौर से पुलिस की प्रेजेंस की जरूरत ज्यादा है। तो पूरे हल्द्वानी शहर में ऐसे 18 स्पॉट्स जो हैं अलग अलग जगह से आइडेंटिफाई हुए हैं। यही नहीं, हल्द्वानी का नगर निगम को बेटियों से मिले सुझावों के आधार पर ऐसे डार्क एरिया भी चुन रहा है जहां या तो स्ट्रीट लाइट नहीं है या खराब पड़ी है। कल ही लगभग 48 जगह हम लोगों ने ऐसी जो लाइट्स खराब थी या नहीं थी उनको ठीक किया है और हमारा प्रयास है कि महिला सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई है नगर निगम द्वारा तत्परता से की जाए। अभी तक नेता अधिकारी या समाज सेवी संस्थाओं के सुझावों के आधार पर ही ज्यादातर काम होते रहे हैं, लेकिन अपराध के मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने ये अनोखा कदम उठाया है। जो बेटियां रोजाना चुनौतियों का सामना करती हैं, प्रशासन उन्हीं से सुझाव और समाधान दोनों मांग रहा है और वो भी उनके पास खुद पहुंचकर। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर के सेलाकुई इलाके में एक लोडर टेम्पो रोड से नीचे गड्ढे में गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में ड्राइवर और एक महिला की जान बच गई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद टिहरी पहुंचे धन सिंह नेगी ने कहा कि हम जिस विचार और परिवार में थे अब उसमें दोबारा काम करने का मौका मिला है। हरिद्वार में बीजेपी नेता रश्मि चौधरी को भा की यू वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया। उन्होंने किसानों की समस्या का समाधान करना अपनी प्राथमिकता बताया। रुड़की में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग के दफ्तर पर धरना दिया। मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने अभी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हल्द्वानी में निर्वाचित अधिकारियों ने वोटर लिस्ट अपडेट करना शुरू कर दिया। बागेश्वर के नए डीएम आशीष भटगाई द्वारा प्रत्येक विभाग के रोस्टर वाइस समीक्षा बैठक ली जा रही है जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। टिहरी झील प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों की आपत्तियों को लेकर पुनर्वास विभाग ने बैठक की। ग्रामीणों ने सिराई में दिए गए प्लॉट को डेवलप करने की मांग की है। हल्द्वानी में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने उनकी मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उनको याद किया। अल्मोड़ा में जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान का 30वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कई वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार। हरिद्वार में एबीवीपी द्वारा मेधावी छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा इस कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात है।